नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी की, जिसका एक नया प्रोमो जो आप लोग देख चुके होंगे, जिस प्रोमो में अब आदित्य की वजह से मंगल अपने स्वाभिमान की रक्षा करती नजर आ रही है और अपने बच्चों के साथ घर छोड़ रही है। और इस बार तो मंगल ने अपनी सास कुसुम की भी बात नहीं सुनी है। क्या होने वाला है सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में, जरा रुकिए, ठहरिए और देखिए इस पूरी वीडियो में कि आगे सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में कौन सा नया ड्रामा हम सबको देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल टालीपीप्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, क्या होने वाला है ना कि हमारी सौम्या माँ बनने वाली है, और अब सौम्या जब माँ बनने वाली है तो कुसुम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आदित्य ऑलरेडी दो बच्चों का बाप है और समाज ने अभी तक सौम्या और आदित्य के रिश्ते को ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर इनके बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेगी। साथ ही साथ सौम्या भी अब माँ बनने को तैयार नहीं है, मगर अब बच्चा है और उसका फायदा उसे कैसे उठाना है उसे वो समझ में आ रहा है कि ये बच्चा ही है जो आदित्य की फैमिली और आदित्य को उसका करेगी और मंगल को इस घर से बाहर निकाल सकती है। तो यहाँ पर सौम्या ने एक चाल चली है, आदित्य का इस्तेमाल करके उसने मंगल को काफी कुछ भला बुरा सुना दिया है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा दिया है, जिसके बाद हमारी मंगल जो है काफी परेशान होती है। और जब खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के, अपने स्वाभिमान के बारे में सोचती है तो उसे यही लगता है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसे इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। जब मंगल इस घर को छोड़ने का फैसला करती है तो ईशाना उसका साथ देती है, और साथ ही साथ जो हमारा प्यारा सा अक्षत है वो भी अपनी माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कि तभी कुसुम उसे रोकती है कि नहीं मंगल, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन यहाँ पर मंगल कहती है कि बस मुझे माफ कीजिएगा माँ अम्मा, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं अपने स्वाभिमान के खिलाफ यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। और फिर यहाँ से मंगल घर तो छोड़ रही है, लेकिन अभी भी मंगल को कहाँ जाना है, कैसे अपनी जिंदगी को सर्वाइव करना है, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठानी है, तमाम चीजें देखना काफी महत्वपूर्ण भी होगा और मजेदार भी होगा। इसलिए आप सब जरूर देखिएगा, इसका एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा।